अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वेलकम करती हूँ मैं आपको अपने चैनल डिलाइटफुल डिशेस में। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बनाने जा रहे हैं पुडिंग। वीडियो स्टार्ट करने से पहले रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन को क्लिक करें ताकि आने वाला नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। चलें हम चलते हैं अपनी ईजी सी रेसिपी की तरफ। पुडिंग बनाने के लिए हमें इन तमाम चीज़ों की ज़रूरत होगी। पुडिंग का पैकेट लिया है, बादाम 10 से 12, चॉकलेट, डेरी मिल्क, ब्रेड, ऑल पर्स मिल्क 1 केजी, ऑल पर्स क्रीम 11 ml की, एक पोट लिया है, मिल्क ऐड किया है। मिल्क को बॉयल करेंगे। मिल्क में बॉयल आ चुका है। पुडिंग का पैकेट ऐड करेंगे। अब ये वाला साशा, इसमें चॉकलेट है, इसे डीप फ्रीज़र में रख देंगे। ये पुडिंग का पैकेट है। सबसे पहले हम इसमें पुडिंग का पैकेट ऐड करेंगे और चम्मच चलाते रहेंगे। चम्मच चलाते रहेंगे 5 मिनट तक हम इसे पकाएंगे। अगर हम चम्मच नहीं चलाएंगे तो हमारी गुठलियाँ बन जाएंगी। चम्मच चलाते रहना है 5 मिनट तक। इस बात का आप सबने बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। 5 मिनट हो चुके हैं। थ्री टेबल स्पून शुगर ऐड करेंगे। अब हम इसे मिक्स करेंगे। ब्रेड, सबसे पहले हम ब्रेड को रख देंगे। पुडिंग ऐड करेंगे। बादाम ऐड करेंगे। क्रीम ऐड करेंगे। डेरी मिल्क, चॉकलेट ऐड करेंगे। ये मैंने मेल्ट करके रख दी है। थोड़ी सी चॉकलेट ऐड की है। ब्रेड ऐड करेंगे दोबारा से। पुडिंग ऐड करेंगे। चॉकलेट ऐड करेंगे। बादाम ऐड करेंगे। क्रीम ऐड करेंगे। चॉकलेट ऐड करेंगे जो हमने डीप फ्रीज़र में रखी थी। अच्छा जी, चॉकलेट ऐड कर ली। अब हम इसे 4 से 5 घंटे के लिए फ्रिज में रख देंगे। 4 से 5 घंटे हो चुके हैं। आप देख रहे हैं हमारी पुडिंग रेडी हो चुकी है। बहुत मज़ेदार सी डिश है, बहुत इजी सी डिश है। आप सब बनाएं। पुडिंग हमारी रेडी हो चुकी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।